हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर की जो भी वैकेंसी निकली है 2022 में उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए वीडियो के एक एक क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल में ध्यान से समझेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एट वेरी लो टेम्परेचर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर बिकम्स इक्वल दिस टेम्परेचर इज़ 373 डिग्री कैलविन 273.16 डिग्री कैलविन या फिर 303 डिग्री कैलविन या फिर जीरो डिग्री कैलविन तो बेसिकली आपको ये बताना है कि एक बहुत ही कम प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉयलिंग टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है तो वो टेम्परेचर कौन सा है तो देखिए जब आप उस ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो आपका बॉयलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो आपका जब ये दोनों लाइन आकर के सेम हो जाती है एक लाइन पर ज्वाइंट हो जाती है उस लाइन को हम बोलते हैं उस समय जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना होता है तो वो होता है आपका टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स डिग्री कैलविन तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा अभी अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कुछ ही दिन में हम वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव सेचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज एंथेल्पी सुपर हीटिंग सुपर सेचुरेशन या फिर लेटेंट हीट तो देखिए बेसिकली ये जो डेफिनेशन है कि किसी भी ड्राई स्टीम को आप सेचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर अगर आप हीट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा तो वो आपका कहलाएगा सुपर हीटिंग क्यों कहलाएगा सुपर हीटिंग क्योंकि यहां पर हम हीटिंग कर रहे हैं ठीक है तो जब कभी भी आप हीट करेंगे ऑलरेडी जो स्टीम ड्राई फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं सुपर हीटिंग तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट एंथेलपी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है ठीक है तो आपको उसको समझने के लिए आपको ये कर्व समझना पड़ेगा जहाँ पर आपको सेच्येटेड लिक्विड उसके बाद में आपका यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर और ये पॉइंट जो है आपका सबकूल लिक्विड लाइन है और यहाँ पे आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर आपका जो है फेस चेंज होता है क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है लिक्विड से आपका गैस में जाता है इसी पॉइंट पर ये आपका सुपर क्रिटिकल फेस है और ये आपका सबकूल लिक्विड है यहाँ पर आपका सुपर हीटेड स्टीम जनरेट होता है तो बेसिकली हमको यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर क्या होता है तो ये जो है बेसिकली आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस ग्राफ के थ्रू आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट पर कौन सा फेस चेंज होता है तो वहाँ पे आपका लिक्विड से आपका स्टीम में फॉर्म चेंज होता है या लिक्विड से वेपर में जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन मोलियर चार्ट फ्लो थ्रो टर्बाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई हॉर्जेंटल स्ट्रेट लाइन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन या फिर कर्व लाइन तो देखिए आपका मोलियर चार्ट है ये मोलियर चार्ट में बोल रहा है बेसिकली आपका कि फ्लो थ्रो टर्बाइन जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्लो थ्रो टर्बाइन जो होता है वो उसको हम आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा मोलियर चार्ट से रिलेटेड एक, एक, एक सेपरेट वीडियो है हमारा अगर आप उस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लेंगे तो आपको इस रिलेटेड जितना भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस स्टीम टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट स्टीम एंथैल्पी रिमेंस कॉन्स्टेंट स्टीम प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट या फिर स्टीम एंट्रोपी रिमेंस कॉन्स्टेंट तो बेसिकली आपका जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपका थ्रोटलिंग का काम होता है थ्रोटलिंग किसके थ्रू करते हैं तो हम वॉल को थ्रोटल करते हैं या थोड़ा ओपन करते हैं बेसिकली ये तो बात हो गई आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में और ये जो थ्रोटलिंग है उसमें क्या कॉन्स्टेंट होता है तो उसमें आपका एंथेल्पी कॉन्स्टेंट होता है तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि एट विच प्रेशर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम्स आइडेंटिकल कौन से प्रेशर पे आपका वाटर और स्टीम जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इक्वल हो जाती है जीरो पॉइंट वन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखिए ये आपका ग्राफ है इस ग्राफ में आपको क्या बताना है कि वैसा कौन सा प्रेशर है जहाँ पर आकर के आपका वाटर और स्टीम दोनों जो है वो सेम हो जाता है ठीक है तो वाटर और स्टीम आपका ये क्रिटिकल पॉइंट ये आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन है यहाँ पर आपका सुपर हीटेड स्टीम है यहाँ पर सेचुरेटेड वापर है सेम आपका एंथेल्पी वाला डायग्राम है टी डायग्राम ठीक है तो यहाँ पर जो आपका जो प्रेशर जो, जो जनरेट होता है वो होता है आपका 225.6 ट्वेंटी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रेशर पर आपका क्या होता है तो वाटर और स्टीम जो है वो आपका उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल हो जाती है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ अ एसेंशियल एंड एसेंट्रॉपिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है एडियाबेटिक हो गया या फिर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर अलग अलग जो आपका प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है पर बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में तो आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या है बेसिकली आपका क्लोज टू आइसेंट ट्रॉपिक है बट ये करेक्ट नहीं है ठीक है तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस तो ऑप्शन नंबर सी जो तो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर बॉयल्स वेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल दैट ऑफ सराउंडिंगल सेवन सिक्सटी एम ऑफ मरकोरी या इक्वल्स टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर या फिर इक्वल्स द प्रेशर ऑफ वाटर इन द कंटेनर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है बेसिकली पहले हम समझते हैं कि जब कभी भी आप मान लीजिए गैस के ऊपर में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं और पानी गर्म होता है फिर उसके बाद में आपका स्टीम बाहर आने लगता है तो ये बेसिकली कैसे होता है तो बेसिकली बोल रहा है कि आपका वाटर बॉइल्स कैसे होता है उसमें आपका वेपर का जो प्रेशर है जो आपका वेपर बाहर निकल रहा है उसका प्रेशर का क्या रोल है तो क्या होता है उसमें तो जब कभी भी आपका जो स्टीम जो प्रेशर जनरेट करता है जब आपका ये बॉयल होना स्टार्ट होता है वो तब होता है जब आपका कंटेनर के अंदर का प्रेशर और इसके सराउंडिंग्स का प्रेशर या सराउंडिंग मतलब बाहर में जो प्रेशर है वो दोनों प्रेशर जो है आपका सेम हो जाए या दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए तब उस केस में इक्वल दैट ऑफ द सराउंडिंग जब आपका सराउंडिंग से प्रेशर कॉमन हो जाएगा तब आपका वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो बहुत से लोगों को क्या गलती होती है इक्वल्स टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट होता है और वो अलग अलग जगह में अलग अलग होता है पर सराउंडिंग प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है आपका एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर में द इंक्रीज इन प्रेशर लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिड्यूस इट्स वॉल्यूम या डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड सेम क्वेश्चन है बस इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कर दिया है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए मान लीजिए आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से क्या होगा तो प्रेशर लगाने से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो बढ़ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कम किस केस में होगा अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है किसी भी लिक्विड का तो उसके लिए आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा प्रेशर को भी कम करना पड़ेगा अगर आप इसको प्रेशर को कम करेंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है आपका वो बढ़ जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑर्सेट मीटर इज़ यूज फॉर ग्रेविटेशनल एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ फ्लू गैस मास फ्लो ऑफ द फ्लू गैसेस या मेजरिंग स्मोक डेंसिटी ऑफ अ फ्लू गैसेस तो ऑर्सेट मीटर का क्या यूज़ होता है तो औरट मीटर जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो आरसेट मीटर का, का काम क्या होता है तो वो काम होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैसेस जो भी आपका फ्लू गैसेस होती है उसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए आपके पास में गैस है ठीक है अभी उस गैस में हंड्रेड वॉल्यूम के हिसाब से आपका कितना परसेंट नाइट्रोजन है मान लीजिए आपका नाइट्रोजन सेवेंटी है ठीक है फिर उसके बाद में आपका ऑक्सीजन हो गया वो आपका ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट है तो सेम इसी तरह वो वॉल्यूम बताता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करता है कि मतलब आपका हंड्रेड परसेंट वॉलीम है कितना कितना परसेंट वॉल्यूम है फिर आपका आर्गन हो गया कितना है तो जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट है वो अलग अलग गैसेस का अलग अलग अगर आएगा तो वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करता है और मीटर तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा तो हमारा वीडियो पूरा एंड हो चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को ज़रूर लाइक करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भेज दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर, जरूर करिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त धन्यवाद